नई आबादी थाने के सामने बिना मास्क वालों की जा रही है जांच। अव्यवस्थाओं के बीच कोरोना से जंग लड़ता स्वास्थ्य अमला। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, पर उन्हीं के स्वास्थ्य कर्मियों को कोई संसाधन नहीं दे पा रही है। जान हथेली पर रखकर स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं लोगों की सेवा। शासन प्रशासन ने जिले में प्रतिदिन कोविड टेस्ट कर रहे सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को छोड़ा भगवान के भरोसे। बावजूद अपने कर्तव्य से जरा भी पीछे नहीं हट रहे स्वास्थ्य विभाग के ये कोरोना योद्धा। मंदसौर मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन का रवैया इन दिन किसी गर्जी व्यक्ति से कम नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, जिन स्वास्थ्य कर्मियों को इसी सरकार और जिला प्रशासन ने भरे कोविड काल में सिर और आंखों पर बिठाया था, अब उन्हें केस कम होने पर यानी गरज निकलने पर भगवान के भरोसे कोविड से मरने के लिए छोड़ दिया है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग के ये कोरोना योद्धा अपने फर्ज से कतई पीछे नहीं हट रहे। दरअसल जिले में इन दिनों प्रतिदिन सैकड़ों जनता की मुख्य मार्गों चौक चौराहों पर रैपिड टेस्ट और RT-PCR चल रही है, किंतु अफसोस यह है कि इन योद्धाओं को सरकार ने PPE किट उपलब्ध करवाना तो ठीक है, एक टेबल कुर्सी बैठने के लिए देना भी उचित नहीं समझा। और तो और मामले में प्रशासन की अधिकारी नायब तहसीलदार दीपिका परमार यह तक कहने में नहीं चूक रही है कि कम व्यवस्था में जो काम कर रहे हैं वही तो योद्धा कहलाते हैं, जबकि शासन प्रशासन का ही दावा है कि जल्द ही तीसरी लहर दौड़ आने में है। ऐसे में इन निचले कर्मचारियों के साथ अभी से इस तरह का रवैया रहा तो माफ कीजिएगा, तीसरी लहर से युद्ध करना और भी महंगा पड़ सकता है। खैर, मामले में नायब तहसीलदार दीपिका परमार ने यह आश्वासन भी दिया है कि वो अपने उच्च अधिकारियों से इन कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कहेगी। इधर लगातार यह ड्यूटी कर रहे डॉक्टर पंकज साखला का कहना है कि हम कई बार PPE किट, टेबल कुर्सी आदि के लिए कह चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। जांच इसलिए की जा रही है कि जो कोरोना को की तीसरी लहर को देखते हुए जो बिना मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, और लोगों को तीसरी लहर या कोरोना के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से भी जांच कर रहे हैं अपन। कितने लोगों की जांच की गई है? अभी लगभग 100 लोगों की जांच हो चुकी है। कौन सी जांच की जा रही है? RT-PCR रैपिड दोनों तरह की जांचें की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर देखने आ रहा है कि आप लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास में, ना कुर्सी की व्यवस्था है, ना PPE किट की व्यवस्था है, बिना किसी सुविधा के हम काम कर रहे हैं। हम बोल भी रहे हैं मैडम को, लेकिन सुनने वाला नहीं है कोई। क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए आप लोगों को? हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, PPE किट की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था ही नहीं है। क्या आप लोगों ने स्वास्थ्य अधिकारी को किया था, बोला था? हाँ बोला, फिर लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनिश्चित जवाब नहीं आया हमारे पास। क्या नाम आपका? डॉक्टर पंकज साखला। लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, और जितने भी लोग हमको ऐसे दिख रहे हैं बिना मास्क के तो हम उनकी कोविड की सैंपल लिंक कर रहे हैं। कितने लोगों की जांच की गई है अभी तक? अभी तक लगभग 150 लोगों की जांच हो चुकी है और कार्य सतत जारी है। मैम, देखने में आ रहा है कि आप भी मौके पर है, पर स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर लोगों की जांच कर रहा है, पर इन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई टेबलेट भी नहीं है बैठने के लिए, ना कोई PPE किट है, तो क्या लगता है? कम व्यवस्थाओं में काम करना ही तो एक योद्धा की निशानी होती है। नहीं, पर क्या लगता है जो योद्धा है वो उन्हीं को कुछ हो जाएगा तो क्या लगेगा? नहीं नहीं, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजेशन बराबर हो रहा है उनका, और उनकी किट भी पहन के काम कर रहे हैं। पर देखने में आ रहा है किसी के पास नहीं PPE किट। PPE किट इनको पहननी है, पर चूंकि गर्मी की वजह से नहीं इस्तेमाल कर रहे, और अभी इससे ज़्यादा गर्मी थी मैम अप्रैल और मार्च के समय में, उस समय तो PPE किट पहनी, पर उस समय काम किया, पर इन लोगों को नहीं मिल पा रही, इनका कहना ऐसा। अच्छा, किट नहीं मिल पा रही, इसके संबंध में मैं इनके जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे चर्चा करूँ। ना ही टेबल की व्यवस्था है मैम, जमीन के ऊपर रखकर इन लोगों को काम करना पड़ रहा है जी। इसके लिए तो हम करते हैं व्यवस्था, अभी शुरू किया है, इसके अरेंजमेंट करवा देंगे। क्या सुन नाम है आपका? दीपिका परमार। किस तरफ से आप? नायब तहसीलदार।